गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो अभी फिलहाल मैं जहाँ स्टडी करता था उस स्कूल में आ चुका हूँ। तो देखते थे यार बरामदा जहाँ पे हम लोग अक्सर आया करते थे और लंडिया ताला करते थे। हाँ वो करता था, मैं नहीं करता था यार, मैं बहुत सीधा साधा लूंगा था। वो तो कुछ इस तरह मतलब मैं उतना ज़्यादा कुछ नहीं करता था, ये सबसे आगे था। और गाइस और दिखाते हैं, देखो वो देखो जो कल आपको दिख रहा है ना उस टाइम लोग पानी पिया करते थे, लेकिन आजकल भाग लग गया भाई, पता नहीं यार कैसे मेंटेनेंस ये लोग करके रखते हैं स्कूल का पता नहीं। और भाई जी एक और चीज़ दिखा दी आज इधर, तो भाई देखो हम लोग जब पढ़ रहे थे ना तब यहाँ पे कोई बेंच नहीं था। देखो यार अब नए बेंच लगवा दिए, पता बहुत नाइन सर चमक रहा है, बहुत ज्यादा लाइट कर रहा है भाई, सनमाइका लगाया गया है। हाँ, वो एक तो यहाँ पे क्या बोलते हैं ना हम लोग यहाँ पे थे ना तो वो डिजिटल क्लासेस नहीं होता, तो भाई थी तो उस समय से बोल रहा था कि नहीं नहीं जाएंगे, गिर जाएगा बिजली गिरेगी। तो गाइस गिरा भाई, इसको दिख गया अभी नीचे गिरा, मैंने नहीं देखा भाई गिरा। हां भाई देखना अभी भयानक आवाज आएगा, देखो अभी सुनना, अभी नहीं आएगा जरूर, 9 8 7 6 भाई लेकिन गिरा, देख अभी गिरा है उधर, एकदम से लाइटनिंग एकदम सीधा दिखा, गिरा है वहां डेफिनेटली गिरा। लवली लवली गाइस अभी जो है ना मैंने ऐसा एक्सपीरियंस करा, लगा कि ऐसे गिरा और बहुत मतलब कि देखा इसको उधर कैमरा रखता तो सीरियसली आपको दिखता, लेकिन क्या कर सकते हैं ये अलग बात कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, वो सारी बातें हम लोग के साथ हुई थी। और वो आपको दिखा ना, देखो वहाँ पे बकरी खाना जब हम लोग पहले साइकिल पार्किंग के लिए यूज़ करते थे उस बिल्डिंग, उस छोटा सा जो भी है दलान वलान जो भी बोल रहे हैं हम लोकल लैंग्वेज में, अब वहाँ पे बकरी पाला जा रहा है, स्कूल वाले पाल रहे हैं, देख लो गाइस। एक तो अभी बारिश हो रही है ना जिस वजह से हम लोग मैं काफ़ी डरा हूँ, उसको तो डर नहीं लग रहा है लेकिन मुझे डर से लग रहा है क्योंकि गांव में दो ही दिन मतलब कि दो तीन दिन से बारिश हो रही है, दो तीन दिन से बिजली गिर रहा है और बहुत जगह आसपास गांव में सीनों को मिला है कि बिजली गिर रहा है, जिस वजह से आदमी का फर्श काफ़ी डरा हुआ है। और यहाँ देख सकते हो बारिश अभी कम हो गई है लेकिन फिर भी बिजली जो है देख सकते हो मेरा पूरा ग्रेस हो गया और भाई का डॉक्टर बनने लगा। और हमारे टीचर लोग अवेलेबल नहीं है, देख लो ये प्रिंसिपल ऑफिस, पुस्तकालय, लाइब्रेरी बोल रहे थे हम लोग इंग्लिश में। और हमारे देश के तीन नए युवक नौजवान भविष्य, क्या कहें हम इनको, बाय द वे सारे हमारे मतलब हमारे आसपास के यहाँ देख लो लूडो खेल रहे हैं भाई, अब क्या करें, अब ऐसे जगह पे फंसे हुए हैं ना कि ना आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं ना आ सकते हैं, तो उसको टाइम पास करना पड़ेगा ना मेरी जान। प्लास्टिक है गाइस, पता है पहले इसमें क्लासेस चल रहे थे हम लोगों के, लेकिन अभी डिजिटल क्लासेस हो गए हैं, माय गॉड अंदर बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स लगे हुए हैं, स्मार्ट क्लासेस, माय गॉड ये देखो हम लोग थे ना यहाँ पे कभी एक बार भी क्लास नहीं थी हम लोग को तो वैसे ही साला बोर्ड ओ वॉशरूम ही बना दिया, वही तो हम सोच रहे थे। और यहाँ ताऊ जी बोर हो रहे हैं तो अपना चला रहे हैं फोन, देख सकते हो ये स्कूल का दिखा। और हमारा विद्यानिकेतन उच्च विद्यालय मालट पड़सा, विद्यालय कोड है 9106। गान फट रही है बेचारे की, भाई को अब कॉल करते हैं। और हमारी कबड्डी की लाइंस बनाई गई थी, मैं भी उसके बाद भी बनाऊ, लेकिन बहुत मजा आता था कबड्डी खेलने में यहाँ पे।